नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे RJ45 वॉल कनेक्टर के बारे में। स्पेशली दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोई वायर है और आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं या आपने अपने घर में इथरनेट इंस्टॉलेशन करवा रखा है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि वॉल में से वायर निकल रही है इथरनेट वायर और वो आप लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद कोई जैक निकल जाती है, वायर कट जाती है, किसी वजह से वो ब्रेक हो गई। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का क्या होती है कि फिर उसे क्लिप करवाओ, पूरी वायरिंग को चेंज करवानी पड़ती है क्योंकि इथरनेट केबल छोटे रह गए। तो दोस्तों ये सोल्यूशन सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है उस कंडीशन में और किस तरीके से वर्क करता है मैं अभी आपको बता दूँ। सबसे पहले ही थोड़ा सा एज्यूम वाला पार्ट है, मैं अभी इसका इंस्टॉलेशन, आपको इसके कनेक्शन कैसे होंगे सब कुछ करके दिखाऊंगा। तो ये सोचिए कि वॉल में से आ रही हो, मेरे पास यही प्लग है, इत्तेफाक कुर्सी के नीचे आ गया या खिंच गया या तार टूट गए, तो कोई ऐसा केस हो जाता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों ये प्लग सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं। यहाँ पे हमने इथरनेट केबल काट रखी है, आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे इथरनेट केबल लग रही होगी, तो उसे इस प्लग के अंदर लगा लीजिए। और दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको इस तरीके की केबल 100, 150, 200 रुपये में ऑनलाइन ईजिली मिल जाती है। तो यहाँ पे ये वायर कोई टूट भी जाए, ख़राब भी हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक तो कोई बच्चा हाथ नहीं डाल सकता इसके अंदर, क्योंकि इसका शटर उठाना पड़ता है, और जैसे ही हम इसका शटर उठाएंगे तो हम इसे लगा सकते हैं। तो अभी हम स्पीड चेक भी करेंगे, सब कुछ करके देखेंगे और आपको बताएंगे कि स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता और इसके वायर कनेक्शन कैसे होते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके वायर कनेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो इसके अंदर का सर्किट होता है कुछ इस तरीके का होता है और उस सर्किट के अंदर क्या क्या करना पड़ता है वो सब कुछ चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसका इंस्टॉलेशन करना है। दोस्तों हम इसके कनेक्शन सीखेंगे, कैसे वॉल RJ45 कनेक्टर के सॉकेट किए जाते हैं। तो ये वॉल मतलब बोर्ड होते हैं जो कि आपको कुछ इस तरीके से इन्हें खोलना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कनेक्शन ज़रूरी है कि आपको घर में भी ज़रूरत पड़ रही है और वहाँ पे आपको लगाना है, तो किसी को बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बहुत पैसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसे हम प्यार से खोल लेंगे। ये दोस्तों डीलिंग का डिब्बा, और डीलिंग इस मामले में बहुत अच्छा है नेटवर्किंग के मामले में, ज़्यादातर प्रोडक्ट जो है आपको इसी के देखने के लिए मिलते हैं। नेटवर्किंग में आपको इथरनेट केबल भी देखने के लिए मिल जाती है, बोर्ड भी देखने के लिए मिल जाते हैं, स्विच भी, राउटर भी, मैनेजर स्विच भी, तो मतलब सब कुछ आपको दिख जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी ये कनेक्शन हम फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो कनेक्शन फॉलो करेंगे मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ से पहले इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसे निकाल लिया और इसे खींच लेंगे, फिलहाल वायर निकल गई तो हमने सारा निकाल लिया। तो दोस्तों यहाँ पे ना एक्चुअली वायर कोड दे रखा है, लेकिन हम इस वायर कोड को क्यों नहीं फॉलो करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। अब सपोज़ कीजिए कि ये जो वायर है ये वॉल से निकल के आ रही है, तो अब मुझे कैसे मालूम चलेगा कौन सा वायर किस में लगाना है? तो दोस्तों जो निकल के आ रही है उसे क्या करेंगे, उसे हम इस तरीके से काट लेंगे जो पोर्ट है। तो बाहर से आ रही है तो राउटर में से पहले ये वायर निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है कि आप मतलब करंट वाली वायर हो इसमें आपके बोल्ट भी चल रहे हो तो फॉल्ट होने का खतरा रहता है स्विच का। तो एक बार स्विच से वायर निकाल के अब मुझे कैसे पता करनी होगा कौन सी वायर किस में लगानी है, दोस्तों मैं आपको बताऊं। तो इसे हम छील लेंगे, टोटल मिला के 8 वायर होती हैं और जिसमें हम फुल घी का पोर्ट भी रनअप कर लेते हैं। तो सारी वायर को खोल लेंगे और आप इजीली कनेक्शन भी सीख लेंगे इसके कैसे किए जाते हैं और कभी करने की ज़रूरत पड़े तो। ये मुझे जो लग रही है दोस्तों Cat5 लग रही है, Cat6 भी नहीं है क्योंकि क्वालिटी बिल्कुल नहीं है इसकी वायर की। तो यहाँ पे ये हमने एक बिल्कुल ओरिजिनल वायर काट दी है। तो दोस्तों एक लाइक प्लस सब्सक्राइब तो बनता है चैनल पर। और यहाँ पे सारी वायरों को छील लेंगे, हम क्यों छील लें, क्या हम जोड़ने वाले इन वायरों को? नहीं दोस्तों, अभी हम बताएंगे क्या करने वाले। तो अभी हमें इस वायर की कोडिंग नहीं मालूम है कि इधर कौन सी वायर लगी हुई है, कैसे कैसे लगी हुई है, क्योंकि दोस्तों 8 वायर का कॉम्बिनेशन तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम चाह के भी नहीं मिला सकते। तो सबसे पहले हम इसमें पोर्ट लगाएंगे ये वाली, हमने कर दी फिट, तब हमने फिट कर दी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का जैक होती है और हमने यहाँ पे ये फिट कर दी। अब दोस्तों हमने फिट करी है, अब हम इसे छील लेंगे, लेकिन पहले हम निकाल लेंगे इस डिब्बे में से, क्योंकि हमें यहाँ से निकालनी है। और अब हम इसे थोड़ा सा इतना छील लेंगे कि जितना हमें वायर में ज़रूरत है। तो अब हमने छील लिया,
अब हमें चाहिए होगा यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, मल्टीमीटर यूज़ कर सकते हैं, टेस्टर यूज़ कर सकते हैं जो सेल वाले आते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं दो या तीन वायर जोड़ के दिखाऊंगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा प्रोसेस में, और कोई भी वायर हमें छीन लेनी है अभी मैं बताऊँगा। सबसे पहले हम यहाँ से कनेक्शन स्टार्ट करेंगे, तो हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं तो हम एक लगाएंगे इसमें, मतलब यहाँ पे। और पहले हम तो हमें दोस्तों ये मतलब लाइट ब्लू वायर हमें यहाँ पे मिली है देखने के लिए, जो कि इस कोडिंग के हिसाब से बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी मतलब ब्लू प्लस वाइट, और यहाँ पे भी हमें जो वायर देखने के लिए मिली है वो ब्लू प्लस वाइट मिली है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डायरेक्टली तो हम इस हिसाब से जोड़ेंगे यहाँ पे ये। अब हम इसमें कैसे घुसेड़ेंगे, तो दोस्तों टेस्टर की सहायता लेंगे, लेकिन इसके वो आते हैं एक पंचर टाइप के आते हैं जो कि बिल्कुल पतले होते हैं, तो हम उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो वायर है वो लग गई है। अब ऐसी ही दूसरी वायर, दोस्तों ज़्यादा कनेक्शन नहीं बताऊँगा क्योंकि लंबे चौड़े हो जाएंगे, वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चेक करेंगे, तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे कोडिंग लमसम मैच कर रही है, तो यहाँ पे हमें ब्लू लगानी है। तो इस तरीके से हम वायर को लगाते चले जाएंगे। तो यहाँ पे पतले पेचकस का भी यूज़ कर सकते हैं और मोटे का भी कर सकते हैं। अब मिलते हैं सीधे लास्ट वाली वायर पे। तो दोस्तों हम एक एक लास्ट वायर भी चेक करके देखेंगे कि कोई वायर ख़राब तो नहीं है, ये भी चेक हो जाता है। और दोस्तों इन वायरों को, जैसे कि ये वायर हैं तो इन्हें काटेंगे नहीं, क्योंकि कभी कभी कोई वायर काम ना करे तो निकाल के हम आगे पीछे करके लगा देते हैं, क्योंकि कॉपर ख़राब नहीं होता, वायर कभी कभी होता है कि कोई वायर काम नहीं करती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारी वायर के कनेक्शन कर दिए हैं, कैसे कनेक्शन करें वो आपको मैंने ईजिली समझा दिया, और समझ में नहीं आया तो दोबारा जाके देखिएगा, क्योंकि इसके स्टार्टिंग फेस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी तो आपने देख लिया किस तरीके से लगाया है हमने। और इसका ये क्लिप लगा देंगे और यहाँ पे इसे फिट कर देंगे। तो दोस्तों ये हो गई है, क्योंकि हमने क्या करा, हमने इस वायर का पता ही नहीं करा कि इसमें कौन सी वायर लगनी है एक्चुअली, हमने सिर्फ इससे ही पता लगा लिया, क्योंकि ये वायर कहीं ना कहीं जो पार्ट है वो इसी का ही था, तो हमने इसी से इसके कनेक्शन कर लिए। और यहाँ पे ये अब इसे फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये, तो इसके पेच लगा देते हैं। तो दोस्तों आप ये सपोज कीजिए कि ये दीवार से वायर आ रही थी और आपने बोर्ड लगा लिया, अब हम इसे इस वाली पोर्ट को डायरेक्ट राउटर में और इससे अटैच करके देखेंगे क्या हमारी इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है या नहीं होती है या सेम रहती है। चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, तो हमने राउटर से डायरेक्टली कनेक्ट करा है डी लिंक का, ये जो अभी हमने कनेक्शन किया है। तो मैं आपको एक प्रूफ दिखा दूँ, तो यहाँ पर मैं डालूँगा इंटरनेट स्पीड टेस्ट, तो यहाँ पे फ़िलहाल नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे हमने वायर अलग कर रखी है। जैसे ही मैं दोस्तों वायर अटैच करूँगा इसमें, तो यहाँ पे जो इंटरनेट है वो प्रोसेसिंग कर रहा है अपनी, और यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे मैं इसे सर्च करूँगा, तो यहाँ पे इंटरनेट स्पीड, अब मैं टेस्ट करता हूँ, मेरा जो कनेक्शन है वो 40 Mbps का कनेक्शन है। तो दोस्तों आप यहाँ पे स्पीड देखेंगे तो एटलीस्ट जो 20 स्पीड होती है उससे 10 या 20% एक्स्ट्रा ही मिलती है। तो यहाँ पे स्पीड में कोई लैग भी नहीं हो रहा, और फर्स्ट क्लास तरीके से जो स्पीड है वो मुझे रिसीव हो रही है। मतलब बात करूँ एक जॉइंट लगाने के, तो मतलब यह है कि आपकी वायर कहीं टूट जाती है, क्योंकि ये वायर जैसे कि मैं यहाँ पर मैं स्पीड टेस्ट करते करते ये निकाल लूँ, तो लुक लाइक दिस स्पीड अपने आप कम होती चली जाएगी क्योंकि मैंने इसका इंटरनेट कनेक्शन निकाल दिया। तो यहाँ पे भी ऑफ हो गया है। अब मैं डायरेक्टली एक बार, जैसे कि मैं राउटर से निकाल के एक बार मैं डायरेक्ट आपको राउटर की स्पीड दिखाऊं, तो इस टाइम ईथरनेट केबल से मैंने डायरेक्टली राउटर कनेक्ट कर रखा है। तो अब हम स्पीड टेस्ट करें, तो यहाँ पर तो सेम स्पीड आ रही है दोस्तों, इट्स नॉट अ बिग डील कि कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों Mbps का भी इस पर इफ़ेक्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो आप इस तरीके के कनेक्शन दोस्तों बड़े आराम से कर सकते हैं, आपकी वायर
मतलब टूटने का, या कभी कुर्सी के नीचे आ जाती है। तो टोटल मिला के ये बॉक्स आपको 200-250 रुपये का पड़ता है, आप कहीं भी वॉल में फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों आप स्पीड देख सकते हैं और इसका भी रिजल्ट साफ देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली आपने देखा किस तरीके से हमने कनेक्शन करे और कैसे कैसे इसे कनेक्ट करा एक दूसरे से। सबसे बड़ी बात दोस्तों वो होती है कि यार दीवार से वायर आ रही है, तो मुझे वहाँ पे उसके जो इथरनेट कोड है वहाँ पे चेक करना पड़ेंगे कौन सी वायर किस पोर्ट में लगी हुई। तो दोस्तों वो भी सोल्यूशन मैंने आपको परमानेंट बता दिया। अब आपको किसी भी वायर को कनेक्ट करने के लिए उसके दूसरे साइड पर नहीं जाना पड़ेगा, जो फर्स्ट साइड है उसी से आपको एक्सटेंड करना भी सिखा दिया। दोस्तों ये कुछ छोटी ट्रिक होती है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा इफेक्ट तब पड़ता है तब कोई वायर टूट जाए या इंटरनली मर्ज हो जाए या छिल जाए। तो दोस्तों वहाँ पे सीधे आपका नेटवर्किंग राउटर ख़राब होने का खतरा रहता है, ऊपर से सीसीटीवी कैमरे का है तो पूरा राउटर, वो जो नेटवर्किंग स्विच होता है उसे ख़त्म होने का पूरा खतरा होता है। दोस्तों इस तरीके से आप स्टेप फॉलो करते हैं, आप सीसीटीवी कैमरे में लगा रहे हैं या आप अपने घर में नेटवर्किंग डिवाइस के तौर पर लगा रहे हैं कि कहीं भी मुझे एटलीस्ट RJ45 की पोर्ट लगाऊँ, अपने लैपटॉप डेस्कटॉप किसी में भी डायरेक्टली कनेक्ट कर पाऊँ, या जो आपके पास कंसोल्ट है, क्योंकि आप मतलब बात करूँ मैं, कोई गेमिंग कंसोल चला रहे हैं जैसे कि PlayStation 5 चला रहे हैं या एक्सबॉक्स सीरीज का कोई भी गैजेट चला रहे हैं, तो वहाँ पे ईथरनेट से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं होता और इस बॉक्स से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं होता कि आप लगा दें और डायरेक्टली कभी भी किस टाइम भी कभी कुछ हो जाए, ईथरनेट केबल ख़राब हो जाए। तो मैंने बताया था आपको 100-150, 200-250 रुपये की मिलती है ऑनलाइन मार्केट में, तो आप वहाँ से ख़रीद के चेंज कर सकते हैं, इसे चेंज बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत हो गई बट फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद दोस्तों।